वेलकम टू डिवाइन टच हीलिंग एकेडमी। ये वीडियो बन रहा है कैप्रिकॉर्न राशि के लिए। जून 2020 में आपका क्या गोल है आपके लाइफ में, और क्या ब्लॉक है आपके उस गोल तक पहुंचने के लिए, और क्या आप उस ब्लॉक को क्लियर कर सकेंगे। सो ये वीडियो है कैप्रिकॉर्न राशि जून 2020 का। लक्ष्य है कि आप एक राइट डिसीजन लें, और बहुत सा ऑपोजिशन मे बी आपके सिबलिंग से, मे बी आपके मदर साइड की फैमिली से आपको बहुत सा ऑपोजिशन आ रहा है, और मे बी आपके वर्क प्लेस पे अगर आप जॉब करते हैं वहाँ से भी आपके कलीग्स, आपके बॉस, उनके साइड से कुछ ऑपोजिशन हो रही है। तो आपको एक राइट डिसीजन लेना है और आगे बढ़ना है, ये आपका गोल है। आपको लॉजिकल होना है, बिल्कुल भी इमोशनल नहीं होना है, और जो आपके बिजनेस, आपके जॉब के लिए सही है, आपके लक्ष्य के लिए सही है। और आपका लक्ष्य ये भी है कि आपको पीस चाहिए आपकी लाइफ में, आपको बहुत ही पीसफुल लाइफ चाहिए। और ब्लॉक आपका ये भी है कि आप इमोशनली हर्ट होते हैं, तो आपको बिल्कुल भी इमोशनली हर्ट नहीं होना है, लॉजिकल होना है। और जो रिलेटिव्स हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं, तो एक सिंपल जैसे भगवद गीता आप पढ़ सकते हैं, और उसमें कृष्ण भगवान भी अर्जुन को समझाते हैं कि डोंट थिंक कि ये आपके रिलेटिव्स हैं, वो आपका कज़िन नहीं है, वो आपके गुरु नहीं है, दुश्मन को दुश्मन के जैसा देखो और धर्म के लिए लड़ो। सेम चीज़ आपको कही जाती है कि आप भी किसी के साथ इमोशनल नहीं हो, जो भी आपको स्ट्रेस दे रहे हैं भले वो रिलेटिव्स हैं, आपको आपकी पीस हासिल करनी है, यही आपका गोल है। और आपको कहीं भी स्टक नहीं रहना है, आपको आगे बढ़ना है। और अगर आप स्टक रहते हैं कहीं पर, तो वो आपके लिए नेगेटिव प्रूफ होगा, और जो पैसा आपके पास है वो भी चला जाएगा, जो सुकून आपके पास है वो भी चला जाएगा। और जून मंथ में यहाँ पर देखिए एकदम करेक्ट कार्ड आया है कि यू विल लीव एवरीथिंग। इट डजेंट मीन कि आप सब छोड़ देंगे, इट मीन्स कि आप नेगेटिविटी को छोड़ देंगे, और जो भी जंबलिंग है आपके लाइफ में उसको आप सॉल्व करेंगे, और आप पीस की तरफ जाएंगे, और आप आध्यात्मिक की तरफ जाएंगे। आपकी एक गलत आदत है कैप्रिकॉर्न राशि वालों की, दूसरों पर ट्रस्ट बहुत ज़्यादा करते हैं और खर्चे बहुत करते हैं, और कहाँ खर्चा हो रहा है जिसके हाथ में भी आप अकाउंट्स देते हो उसके ऊपर आप ब्लाइंड फेथ करते हो। तो आपको वो खर्चों का हिसाब खुद रखना है। घर के बाहर वालों पर, किसी पर भी आपको ट्रस्ट नहीं करना है इन मनी मैटर्स, तब जाकर आपका पैसा सेव होता है। आपके पास इंटेलिजेंस बहुत है, आपके पास नॉलेज बहुत है, आप उसे यूज़ करेंगे और आप आपके लक्ष्य तक पहुँचेंगे। जितने भी आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, जितने भी आपके ऑपोजिशन हैं, आई एक्सप्लेन यू, ऑपोजिशन आपको सिबलिंग के साइड से आ सकता है, मदर के फैमिली के साइड से आ सकता है, और वो आप ऑपोजिशन को क्लियर करेंगे इन जून मंथ। बच्चों से अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसका एक सिंपल सोल्यूशन है कि आप बच्चों के साथ एज अ फादर फिगर नहीं रहें, आप एक फ्रेंड के जैसा रहें उनके साथ। अगर आप एज अ फ्रेंड उनके साथ रहते हैं, तो आपके बहुत जो भी नेगेटिविटी है उनके थ्रू वो जल्दी सॉल्व हो जाती है। और सिर्फ बच्चों को छोड़कर बाकी सबसे आपको लॉजिकल रहना है, और आपको आपके राइट्स के लिए लड़ना है, और जो भी चीज़ आपके लाइफ में हार्मनी देती है वो चीज़ आपको पानी है। रेमेडीज़ के लिए आप कर सकते हैं रेमेडीज़, जैसे आपको सुबह जल्दी उठना है, सूर्य को जल देना है, सूर्य नमस्कार करना है, सूर्य सहस्त्र का पाठ करना है, गायत्री मंत्र आपको चैंट करना है, पिताजी की रिस्पेक्ट करनी है, और पिताजी का जो भी डे आता है, अगर पिताजी नहीं है इनकेस, तो उनका जो भी श्राद्ध वगैरह आता है वो रिचुअल के साथ करना है, और उनके तिथि पर आप गरीबों को खाना ज़रूर खिलाएं। और आप नेक्स्ट रेमेडीज़ कर सकते हैं आपके हेल्थ के लिए। जून मंथ में आपका हेल्थ थोड़ा, आपको वीकनेस लगेगा, आपको थोड़ा इन्फेरियोरिटी फीलिंग रहेगा, उसके लिए आपको हर थर्सडे को आपको फास्ट रखना है, या फिर आपको गुरु की आराधना करनी है, विष्णु सहस्त्र का पाठ भी कर सकते हैं, और आप चना दाल का सेवन ज़रूर करें। आप बिल्कुल भी थर्सडे के दिन बनाना नहीं खाएं, इनफैक्ट आप बनानास डोनेट कर सकते हैं, पीपल के पेड़ को पानी दें, और येलो कलर का केसर तिलक अपने फोरहेड पर ज़रूर लगाएं। येलो कलर के
क्लोथ भी आप थर्सडे को पहन सकते हैं, जिससे आपका गुरु स्ट्रांग हो जाएगा। और आपको जो ऑपोजिशन आ रही है भाई बहनों से, मदर के फैमिली से, वो नहीं आएगी। आपको अपने वेट का ख्याल रखना है, और आपको आपके वाइफ का बहुत सपोर्ट मिलने वाला है, आपके इन-लॉज का भी आपको सपोर्ट मिलने वाला है जून मंथ में। आई होप यू ऑल विल लाइक दिस वीडियो। काइंडली लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।